दोस्तों वेलकम टू एलाइस ब्लू, मैं हूँ दीपेन गोगोई। दोस्तों आज हम दूसरा एक टॉपिक का ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट कैसे रिसर्च किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें तो पता ही है मार्केट मार्केट का ट्रेंड जो होता है थ्री टाइप ऑफ होता है। जैसे आप बोल सकते हैं अप ट्रेंड, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड, राइट, थर्ड साइडवे। तो तीन तरफ की होता है। तो ये तीनों तरफ से मार्केट मूवमेंट करता रहता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। तो इन तीनों में से तो मार्केट एक रेंज में चला जाता है। जैसे एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो मार्केट का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका एक रेंज के अंदर से मार्केट जाता रहता है। तो ऐसा रेंज होगा तो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे रेंज की ऊपर बेस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है। ठीक ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड का भी एक रेंज होता है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे नीचे एक रेंज बना के नीचे आता रहता है, वो एक रेंज के अंदर में रहते हैं। और ठीक ऐसे ही स्लीपिंग जो साइडवे बोला जाता है, उसका भी एक रेंज रहता है। जैसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर नीचे, ऐसे एक रेंज का ऊपर मार्केट रहता है। बाद में रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर या नीचे चला जाता है। ठीक है, तो मार्केट तो एक रेंज में रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे मार्केट का रेंज फाइंड आउट करेंगे? तो ठीक है, पहले आप H4 जो चार 4 आवर चार्ट है, तो उसमें जाइए। ठीक है, उसमें जाके आप पहले मार्केट आप ऐसे घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, अपर जो पॉइंट है, जो जैसे ये अपर दो अपर स्विंग मिला और ये लोअर मिला, तो इसको पहले एक ट्रेंड लाइन से आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ऐसे दोनों एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। तो मार्केट जब ऊपर रहता है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकता है। वापस जब मार्केट आता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता है। तो अगर यहाँ पे आप बाय लेंगे ये पोर्शन में, तो आपका स्टॉप लॉस SL अपना आपका बहुत छोटा होगा SL, और प्रॉफिट जो रहेगा तो ये 1:3 होगा, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 4 आवर में जब ये 4 आवर में जो आपका ये रेंज मिल जाएगा, ट्रेंड का जो रेंज मिल जाएगा, तो उसमें आप 5 मिनट जो 5 मिनट का चार्ट होता है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो 5 मिनट करेंगे तो आपको एक बड़ा वाला रेंज मिल जाएगा। तो जब मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे 5 मिनट चार्ट फॉर्म में, तो आप यहाँ पे बाय कर सकता है ये रीजन में। तो हम अभी लाइव चार्ट में दिखाएंगे कैसे रेंज फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने लिया निकेल चार्ट और ये 4 आवर चार्ट है। तो 4 आवर चार्ट में ये जो ग्राफ मिला हुआ है, तो मैं दिखाएंगे कैसे मार्केट रेंज फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया, ये आप देख सकते हैं लोअर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया वो प्रीवियस लोअर पॉइंट को, देखाइए प्रीवियस लोअर पॉइंट। तो ये प्रीवियस लोअर पॉइंट है। तो और एक अपर जो है, तो आप देख सकता है ये अपर स्विंग पॉइंट को, अपर हाई जो है उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये आप एक ट्राइंगल पैटर्न मिला। ठीक है, ये हमें एक ट्राइंगल पैटर्न मिल गया। तो देखिए आप यहाँ से एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो आप अगर बाय करना चाहता तो ये पोर्शन में आप बाय ले सकता है, ये पोर्शन में, और ब्रेकआउट करके निकाल गया। तो सेल करना है तो यहाँ पे करना है, और प्रॉफिट बुक इधर करना है। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस था। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कहाँ मिला, तो मैंने एक इक्वल लाइन ले लिया। तो यहाँ आप देख सकता है ये मुझे लोअर पॉइंट मिला। ठीक है, तो इसको ले लिया लोअर पॉइंट को, और ये प्रीवियस लोअर पॉइंट है, तो उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके उसको अपर जो स्विंग पॉइंट है
उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमें रेंज मिल गया, तो मार्केट यही रेंज पे घूमता रहेगा, तो और हम ट्रेड भी यही रेंज पे करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लोअर पॉइंट और ये लास्ट लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया, और ये पैरेलल लाइन था वो पैरेलली अपर स्विंग पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे ये रेंज में कितना टाइम तक मार्केट है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये मैंने कनेक्ट किया लोअर पॉइंट, तो देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट किया। तो अगर आप यहाँ पे मिला तो यहाँ ये पोर्शन में आप बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, यहाँ पे सेल कर सकता है, ठीक है। और एस टी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ऊपर रखिए, ये अपर जो रेजिस्टेंट है इधर रख सकता है, और फिर से मार्केट आ गया तो हम बुक प्रॉफिट इधर कर लेंगे जो सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे बाय किया तो एस टी भी थोड़ा नीचे, अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो एक 50 मूविंग एवरेज लिया और एक 100 मूविंग एवरेज लिया, तो उसका नीचे रखेंगे एस टी भी, और बुक प्रॉफिट ये अपर जो लाइन है जो हम रेजिस्टेंट बोला जाता है तो वहाँ तक प्रॉफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट रेशियो रहेगा, अगर इधर बाय किया तो एस टी भी सपोज आपने ले लिया 9 पॉइंट, ठीक है, और टेक प्रॉफिट रहेगा 30, ठीक है, 1:3 का आसपास है। तो देखता है वहाँ तक गया क्या नहीं, तो आप देख सकता है वहाँ तक गया हुआ है मार्केट, ठीक है, वहाँ तक गया हुआ है, तो एक रेंज है। और इधर भी देख सकते हैं ये सपोर्टिंग बिग सपोर्टिंग जोन है, तो इससे नीचे नहीं आया। तो आप देख सकते हैं हम अगर यहाँ पे बाई किया तो एस टी बी इधर, तो मतलब एस टी बी इधर था तो ये आया नहीं, तो वहाँ तक हमें 1:3 रेशियो से मिल गया। तो मार्केट रिसर्च ऐसे किया जाता है, जैसे अभी यहाँ पे गया, हम यहाँ पे सेल करेंगे तो यहाँ तक हम बुक प्रॉफिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, और ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिया हुआ एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।